देहरा उपमंडल की ग्राम पंचायत पैसा में कुछ दिन पूर्व पॉजिटिव आए व्यक्ति कोरोना को मात देकर सकुशल घर लौट आए हैं। उनके स्वस्थ होकर घर लौटने पर आज SDM देहरा धनवीर ठाकुर तथा DSP देहरा RS राणा ने उनके घर जाकर फल, चॉकलेट का डिब्बा और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनको बधाई दी। इस अवसर पर स्वस्थ होकर लौटे व्यक्ति ने उनके घर आने और कुशल क्षेम पूछने के लिए आभार प्रकट किया। इन क्षणों के प्रत्यक्षदर्शी बने परिजन तथा गांव के लोग भी गदगद हो गए। SDM ने कहा कि यह बहुत खुशी का समय है कि देहरा उपमंडल में एकमात्र कोरोना संक्रमित ग्राम पंचायत पैसा के व्यक्ति ठीक होने के उपरांत अपने परिवार में सकुशल लौट आए हैं। इस अवसर पर उन्होंने उक्त व्यक्ति को पौष्टिक आहार लेने और 7 दिन तक पूर्णतया घर में रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी स्तर पर सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना कोई सामाजिक कलंक नहीं है और कोरोना रोगियों तथा उनके परिवारों के प्रति भी किसी तरह का भेदभाव का दृष्टिकोण समाज में नहीं पनपना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान SDM ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर ना निकलें तथा प्रशासनिक निर्देशों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी लोगों से सरकारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के साथ शारीरिक दूरी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब वे अपने घर पर ही रहेंगे और मास्क का लगातार प्रयोग करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कोरोना जैसी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो जाती। गौरतलब है कि उक्त पैसा निवासी कुछ दिन पूर्व मुंबई से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनको उपचार के लिए धर्मशाला आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया था। आइसोलेशन में रहने के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तथा उनके एम्बुलेंस के द्वारा अपने घर पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वस्थ हुए व्यक्ति ने बताया कि कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल की व दवाइयां समय पर दी। कोरोना वायरस से जंग जीत उन्होंने बताया कि अब वह स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। उनके लिए आज खुशी का बहुत बड़ा दिन है। इसी के साथ देहरा से गुलशन धनोआ की रिपोर्ट। हमें कोई समस्या नहीं आई, हमने कंटेनमेंट एरिया यहाँ पे डिक्लेयर किया था, सभी ने साथ दिया और सक्सेस हुआ। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि शेर सिंह जो है वो नेगेटिव होकर यहाँ पे रात को आ गया है और हमारा जिला हमारा सब डिवीज़न देहरा, चाहे वो देहरा कंस्टिट्यूंसी हो या जसवंत, ये फ्री ऑफ इसमें कोरोना है और मैं सब लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। यह बात आज तलवाड़ा के BBMB अस्पताल के डॉक्टर मनोज मेहता, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर ग्लोरिया मसीह, गायनाकोलोजिस्ट ने एक बहुत ही सीरियस गर्भवती औरत और उसके नव जन्मी बच्ची की जान बचाकर सच कर दिखाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज मेहता ने बताया कि कल सुबह हिमाचल प्रदेश के गगरेट से एक गर्भवती औरत रचना, जिसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी, उसके परिजन उसे लेकर BBMB अस्पताल आए थे और जब हमने इस औरत का चेकअप किया तो इसकी और इसके गर्भ में बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, जिसका उपचार मेडिकल कॉलेज या किसी बड़े अस्पताल में ही किया जा सकता था, पर समय कम होने के कारण इसे रेफर भी नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते उनके सहयोगी डॉक्टर ग्लोरिया मसीह के साथ मिलकर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और बड़े ऑपरेशन के बाद औरत ने लड़की को जन्म दिया और ऑपरेशन के बाद दोनों जच्चा और बच्चा तंदुरुस्त हैं। गौरव की बात यह है, BBMB अस्पताल तलवाड़ा में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं व माहिर डॉक्टरों की कमी से यहां के निवासी व हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, पर पिछले कुछ महीनों पहले हलकदसुआ विधायक अरुण मिक्की डोगरा ने पंजाब सरकार से तलवाड़ा के BBMB अस्पताल में सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज मेहता और औरतों की माहिर डॉक्टर ग्लोरिया मसीह की नियुक्ति
करवाकर लोगों को काफी राहत दी है। इन दोनों डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद दोबारा बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा में जच्चा बच्चा को चेकअप करवाने वाले माताओं और ऑपरेशन के केसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस अस्पताल में करीब 12 सालों के बाद औरतों की डिलीवरी और सर्जिकल ऑपरेशन दोबारा से शुरू होने से तलवाड़ा और इसके आसपास के लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि इससे पहले औरतों को डिलीवरी करवाने या ऑपरेशन करवाने के लिए लोगों को होशियारपुर, दसुआ, मुकेरियाँ या जलंधर जाना पड़ता था। इसी के साथ तलवाड़ा से ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਲ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। सैकेंड प्रॉब्लम यह थी कि नैगेटिव ग्रुप सेगा, एच बी भी घट गई। फिर अभी बेच रो ट्रीटमेंट करते रहे, कभी दाखिल कर लेना, कोई भेज देना, ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। पर यह कि हम 34 वीक्स से अचानक मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन आ गई, उदो मतलब कि बच्चे की कंडक्शन स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर सूँ भेजन का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं तो मेरी टीम जी है ना डॉक्टर गुलेरी आपका ने रजिस्टर किया, असं दोनों ने फिर सलाह करके असं फिर एन एस एस बुलाया, बुला के अभी प्रॉपर प्रैपरेशन ब्लड वगैरह अरेज किया। यह नैगेटिव ग्रुप से क्योंकि ब्लड अरेज करना जरूरी होंगे, तो अभी फिर बड़ा ही औखा ऑपरेशन जरा उन्होंने कंसेंट भी दिया कि थोड़ी हिस्टेक्टमी भी की जा सकती है जो थोड़ा मतलब कि ब्लीडिंग ना बंद हुई तो यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी। तो अभी सारी तैयारी करके फुल तैयारी करके असं अपने प्लान करके तो सर्जरी की सजेरियन किया, परंतु यह है कि साड़ी जी सजेरियन ही जो स्टिच वगैरह ना ही इंजेक्शन ब्लीडिंग जी बंद हो गई। तो सक्सैसफुली असी एक फीमेल बच्चे को जन्म दिता गया, उस तो बाद जरा ट्रवेक्टमी ऑपरेशन जरा बच्चे बंद करने वाला बच्चा वो भी कर दिया। मरीज बिल्कुल ठीक ठाक है, वार्ड से पाया हुआ, तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई ब्लड की उस वे मौके की जरूरत ही नहीं पी, वो तो बाद चीज वार्ड के उच्च लगाया। डॉक्टर साहब, ताकि अपॉइंटमेंट तो बाद किन्ने की ऑपरेशन कर चुके हो अब तक? देखो जो गायनी के ऑपरेशन इन्होंने हल्के किए 60 के करीब किए, जो उदम आया हुआ 4-5 महीने से 60-70 ऑपरेशन कर दिए। बाकी जनरल सर्जरी, माइनर सर्जरी वो सारे पा के असी लगभग 150 के करीब ऑपरेशन कर दिए। तो असी पूरे दिन रात ही हम कोविड के असी लोगों की सबसे देते रहे हैं, जैसे को सबसिडी सा 24 घंटे एनी टाइम सर कॉल साढ़े तो कोई ना कोई बंदा इतने अवेलेबल होंगे, अभी हर टाइम तैयार व तैयार असं लोगों को सेवा दे रहे हैं, तो लोगों को कोई भी दिक्कत का मौका नहीं है आज। एक बड़ी खबर तलवाड़ा सब्जी मंडी से आ रही है। तलवाड़ा सब्जी मंडी चौक पर एक मोटरसाइकिल और टिप्पर के टकराने से युवक को आई गहरी चोटें। बताया जा रहा है युवक को गहरी चोटें आने की वजह से जलंधर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए टिप्पर को कब्जे में ले लिया है। अज तलवाड़ा सब्जी मंडी चौंक में जो एक्सीडेंट होया बीबीएमबी हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आए, तो उसकी क्या स्थिति सी जी? साढ़े को आज दोपहर 1:45 अर्शदीप नामक एक मुंडा लिया गया जिसकी की उम्र 18 साल की सी, ते ओदा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होया सीगा, ओदे बहुत सारी चोटा लगी सी, मल्टीपल इंजरी सीगा जिन्नू की असी मैनेज किया, सुचरिंग की, स्टेबलाइज किया, अगे रेफर कर दिया। डॉक्टर साहब, जिहड़ा पेशेंट सीगा इहदी उमर 18 साल, ते किथे दा वासी सीगा? बेमावल दा वासी सीगा, ते 18 साल। ठीक है, स्थिति ठीक सी जां नाजुक सी? देखो टाइमली मैनेज हो गया, टाइमली उन्हूं लेके आया गया, जिहदा ब्लड लॉस हो रहा सीगा, पूरी जिहड़ी चोटां लगियां सीगियां ते सिर ते भी चोट लगी सी जिन्हों असी सर्जर कर दिता, ते इहदा बीपी पल्स सब कुछ ठीक सी।
बीबीएमबी की जगह पर खोला ठेका। बीबीएमबी ने दर्ज करवाई शिकायत। थाना देहरा के दिन संसारपुर टेरेस चौकी के अंतर्गत रातों रात बीबीएमबी की जमीन पर ठेका रख दिया। जानकारी के अनुसार संसारपुर टेरेस बैरियर पर देर रात शराब कारोबारियों ने बीबीएमबी की जगह पर ठेका खोल दिया। बीबीएमबी के कर्मचारियों व शराब ठेकेदारों के बीच पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस में बातचीत हुई व काफी देर बाद बीबीएमबी कर्मचारियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वही ज्ञात रहे कि इस जगह पर पिछले काफी सालों से ठेका चल रहा था व पिछले साल ही इसे स्थानांतरित किया गया था, परंतु देर रात फिर ठेका बीबीएमबी की जगह खुलने के साथ लगते लोगों व महिलाओं ने इसका विरोध किया, परंतु बीबीएमबी कर्मचारी लोगों के विरोध में नहीं आगे आए। काफी विरोध के बाद लोग संसारपुर टेरेस चौकी भी पहुंचे व वहां से उन्हें समझाकर घर भेज दिया गया कि ठेका वहां से दूर कर दिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों जीवन, लता, शिव कुमार, नरेश, कश्मीर सिंह व बाबा ने कहा कि ठेका उनके घरों के पास है व इसे यहां से हटाया जाए। वहीं बीबीएमबी की तरफ से संसारपुर टेरेस चौकी में शिकायत पत्र दिया गया है। वहीं संसारपुर टेरेस चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने कहा कि बीबीएमबी के कर्मचारियों द्वारा लिखित शिकायत आई है व आगामी कार्यवाही जारी है। वहीं बीबीएमबी के सहायक अभियंता ने कहा कि उनके पास बयान देने का अधिकार नहीं है, वो उनके उच्च अधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। खबर हिमाचल के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर हिमाचल आपका अपना चैनल, हर खबर पहुंचाए आप तक।